पर मतदान सीतापुर में 68, कन्नौज में 65, कानपुर देहात में करीब 61 और मैनपुरी में 58% हुई वोटिंग। यूपी में तीसरे राउंड के चुनाव में कहीं पथराव, कहीं वोटिंग का बहिष्कार। जसवंत नगर में फर्जी वोटिंग के आरोप में पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा। सैफई में समाजवादी परिवार के सभी सदस्यों ने की वोटिंग। विवाद के सवालों को सबने नकारा। सपा की सरकार बनने का किया दावा। मुलायम ने कहा अखिलेश होंगे सीएम, शिवपाल बनेंगे मंत्री। झांसी में राहुल और अखिलेश साथ साथ। अखिलेश ने कहा चुनाव के बाद हाई हो जाएगा बीजेपी का ब्लड प्रेशर। राहुल बोले जीतेगा गठबंधन। उदयपुर में विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी। बोले यूपी में 14 साल से विकास को वनवास। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ही एसपी हार गई बाजी। टीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। बांदा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ ने मांगे वोट। मई से सिर्फ 3 घंटे में निकल सकेगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ की सभी सेवाएं होगी ऑनलाइन। पेंशन के लिए भी होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक अप्रैल से सीएनजी पीएनजी हो सकती है महंगी। नेचुरल गैस की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी संभव। ₹30,000 में मिलेगा इन्वर्टर एसी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज अगले हफ्ते डालेंगे 1 लाख इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए टेंडर। देश में नहीं होगी स्टेंट की कमी। स्टेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को दिया आश्वासन, स्टेंट के स्टॉक की कमी नहीं।